लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए शहर शहर कांग्रेस के संगठन को दोबारा से खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं और राहुल गांधी के बाद अब गुजरात कांग्रेस प्रभारी 3 दिन के गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं, जो राहुल गांधी के मिशन को पूरा करने का दावा कर रहे हैं। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। एक जुलाई को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने ये खुला चैलेंज दिया था, बीजेपी को उसी के गढ़ में हराने का दावा किया था। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पहले राहुल गांधी खुद अहमदाबाद पहुंचे, यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, गुजरात में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया और कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। गुजरात की धरती से राहुल गांधी की हुंकार के बाद से कांग्रेस पार्टी एक्शन में है और इस मिशन को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से तैयारियां भी शुरू कर दी गई। गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक एक बार फिर 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। इन 3 दिनों में वो अलग अलग शहर में जाकर नए सिरे से कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कोशिश करेंगे और राहुल गांधी के संदेश के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हमने राहुल गांधी जी को भरोसा दिलाया है कि जो उम्मीद वो कांग्रेस के साथियों के जरिए गुजरात में रखते हैं, उसको पूरा करने की दिशा में समर्पित भाव से सभी स्तर पर काम होगा। आज, कल और परसों 3 दिन का मेरा स्वयं का यहाँ पर दौरा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल जी, शैलेश परमार जी, निशित व्यास, तमाम पंकज पटेल, ये सभी हमारे साथी, अन्य दूसरे नेतागण बनासकांठा, मोरबी, कच्छ, सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद के हम साथियों से मिलेंगे और आने वाले दिनों में संगठन किस तरह से तैयार करना है उस पर बातचीत करेंगे। गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया था, मुकुल वासनिक ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी को उन्हीं के मुद्दों पर घेरने के लिए हमलों की एक और किश्त जारी की। गुजरात में पिछले अनेकों वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राज में रहने के बाद में भी ऊना की घटना, मोरबी की घटना, सूरत की घटना, बड़ौदा की घटना, अहमदाबाद की घटना, ये तमाम घटनाएं लगातार होते रही। राजकोट की घटना, कई लोग मारे गए, मर गए, जख्मी हुए, उनको न्याय नहीं मिला। इस तरह की राजनीति यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ कि गुजरात के हक में है। लोकसभा में पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से राहुल गांधी और कांग्रेस का हौसला बढ़ा हुआ है। वो बीजेपी को अब सीधी चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी राहुल गांधी के मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गुजरात की सिर्फ बनासकांठा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने नए मिशन की शुरुआत बनासकांठा से की है। आज गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बनासकांठा पहुंचे और यहां सबसे पहले बनासकांठा की सांसद गनीबेन ठाकुर को सम्मानित किया गया। इसके बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करने की रणनीति पर मंथन किया गया। अहमदाबाद में लूट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां दिन दहाड़े भी सड़क से लुटेरे एक शख्स से 60 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। आरोपियों ने आंखों में मिर्च का पाउडर डाला, एकदम फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अहमदाबाद के एलिजबिज इलाके में 65 लाख के लूट की वारदात का मामला सामने आया हुआ है। फिलहाल हम स्पॉट पे मौजूद हैं। आप जो रिक्शा देख रहे हैं, इसमें आंगड़िया पेड़ी के 2 कर्मचारी
जमालपुर एपीएमसी से 65 लाख रुपए लेकर निकले हुए थे। इस रिक्शा के अंदर बैठकर वो सीजी रोड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दो शख्स जो कि टू व्हीलर पे आए, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, और जो दो लोग 65 लाख रुपए लेकर अपनी ऑफिस पे जा रहे थे, उनकी आँख में मर्चे की जो भूखी होती है वो आँखों में डाली है, जिसके बाद ये पूरी लूट को अंजाम दिया गया है। दोनों जो कर्मचारी थे, पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया जिसमें उन्हें चोट भी आई हुई है। दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए एसवीपी हॉस्पिटल में फिलहाल भेजा गया है। साथ ही में जो लूट करके दो लोग यहां पे हेलमेट पहनकर आए हुए थे, जिन्होंने 65 लाख रुपए की लूट चलाई हुई है, उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने अपने जो चक्र हैं वो गतिमान किए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस कितने वक्त में जो दोनों लुटेरे हैं उन्हें पकड़ने में सफल हो पाती है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक अहमदाबाद। गुजरात के छोटा उदयपुर के एक सरकारी स्कूल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें छोटे छोटे स्टूडेंट्स टॉयलेट को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। किताबों की जगह बच्चों को झाड़ू थमाने वाला कोई और नहीं है बल्कि उसी स्कूल का हेड टीचर है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये वीडियो गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के हमीरपुरा गाँव का है। सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे टॉयलेट की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप इनसे मिलिए। ये इस स्कूल के इकलौते टीचर हैं, जिनके कंधों पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्होंने इन मासूम बच्चों के हाथों से किताबें छीनकर झाड़ू थमा दी है और टॉयलेट की सफाई के काम में लगा दिया है। ये कोई आरोप नहीं है बल्कि ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये खुद बच्चों से टॉयलेट साफ करवाते हैं। और बेशर्मी की हद देखिए, कह रहे हैं कि स्कूल में सफाई कर्मचारी तो है लेकिन छोटे मोटे काम बच्चों से करवा लेते हैं। मैं तो साफ कर रहा था, बीली पत्र का पौधा है वहीं पे मैं गोर मार रहा था, क्यारा बना रहा था। उसी समय मेरी नज़र टॉयलेट में गई, टॉयलेट में कादो था, बारिश का टाइम है, इसीलिए मैं पानी बीली पत्र में डाल रहा था। उसी समय मैंने देखा तो बालक गिर जाए, ऐसी परिस्थिति, थोड़ा कादो था, इसलिए मैं अपना खुद पानी लेके बच्चों को बुलाया और मैंने पानी डाल के बच्चों के पास साफ करवाया। तो हकीकत में टॉयलेट साफ करने वाला है ही, मैं कादो दिख रहा था, इसीलिए मैंने खुद अपनी नज़र से देखा, बीली पत्र का गोल लगा रहा था पौधा का, तब मेरी नज़र गई कादों पे, गिर न जाए इसी वजह से मैंने पानी खुद निकाल के बच्चों को दिया। बालक की वजह से मैंने साफ करा, मैंने खुद पानी डाला है और बालक के पास साफ करवाया। ऐसा नहीं कि सब काम मैं बालक के पास करवाता हूँ, अपने पास है, काम करने वाला है, सरकार ने जो पैसा दिया है उसी का हम पूरी तरह अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। अपनी करतूत पर माफी मांगने या शर्मिंदा होने की बजाय मास्टर साहब बेहुदा दलीलें पेश कर रहे हैं। जब आज तक की टीम ने तालुका शिक्षा अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने बताया मामले के जांच का आदेश दे दिए गए हैं, जल्द कार्रवाई भी होगी। आज सोशल मीडिया के मार्फत हमको हमीरपुरा प्राथमिक शाला के बच्चे शौचालय साफ कर रहे थे, इनके बारे में पता चला। हमने हमारी ऑफिस की ओर से उनको जांच के आदेश दे दिए हैं। वो जो जांच के आदेश आएंगे, जांच करवाने के लिए जो भेजा है वो जवाब हम ऊपर कर देंगे। ये बच्चों को काम करवाना ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। शौचालय जो साफ करा रहे थे बिल्कुल गलत बात थी, ऐसा नहीं करवाना चाहिए था उन हेड टीचर को। क्या जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी ये तो बात की बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से आगे बच्चों के भविष्य खिलवाड़ न हो सके, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के कच्छ और अमरेली में बारिश के बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। यहाँ आसमान से बारिश नहीं बल्कि आफत बरस रही है। भारी बारिश के बाद इन इलाकों में पानी भर चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और वन्य जीवन भी प्रभावित है। Mm-hmm.
मॉनसून आते ही गुजरात ऐसी ही मुसीबतों की गिरफ्त में आ जाता है। समंदर से रिश्ता गुजरात को मॉनसून में भारी पड़ जाता है। गुजरात के तमाम इलाके पानी से लबालब हो जाते हैं। कच्छ की ये तस्वीरें देखिए, बारिश ने इस वजनदार कार को बेसहारा कर दिया है। ये लग्जरी कार पानी की गिरफ्त में आकर लाचार हो गई है, इतनी कि इसे ट्रैक्टर के जरिए निकालना पड़ रहा है। कार को मजबूत रस्सी से जोड़ा गया और फिर पूरी ताकत से इसे बाहर निकाला गया। यूं तो ये तस्वीर मजेदार दिखती है, लेकिन बारिश में फंसे लोगों के लिए ये मुसीबत भरी है। गुजरात के एक और शहर अमरेली का हाल देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इस कार को देखिए, पानी के बीच ऐसी फंसी कि भूत बनकर रह गई। चौपहिया का ही पानी में दम निकल गया तो फिर दोपहिया की हैसियत ही क्या। मुसीबत का दरिया है, डूब कर जाने वाली नौबत है। अमरेली के 15 रिहायशी इलाके पानी की चपेट में दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी बेतहाशा बढ़ रहा है, गलियों में पानी बेहिसाब बह रहा है। आज तक ब्यूरो। अब आपको सोमनाथ से आए खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं। बाबा सोमनाथ के धाम में जब पहली बारिश हुई तो वहां की छटा देखते ही बन रही थी। बाबा के दरबार की पहली बारिश को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंदिर के पवित्र शिखर पर हो रही मूसलाधार बारिश की छवि से आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थी। बाढ़ और बचाव की तस्वीरों के बीच बारिश की ये शुभ तस्वीरें भव्यता और दिव्यता का एहसास कराने वाली हैं। ये शानदार नजारा बाबा सोमनाथ के दिव्य दरबार का है। मंदिर की जमीन पर गिरती ये बूंदें एक अलग ही स्वर लहरियां छेड़ रही हैं। बाबा सोमनाथ के धाम में इस साल की ये पहली बारिश है। हिंदू परंपरा में पहली बारिश जनजीवन के लिए एक शुभ संकेत मानी जाती है, लिहाजा इसे उम्मीदों का आगाज माना जा रहा है। इसे देवी देवताओं की कृपा और उदारता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में महादेव के दर पर हो रही बारिश की तो बात ही निराली है। मंदिर के पवित्र शिखर पर हो रही मूसलाधार बारिश को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं इंद्रदेव सोमनाथ महादेव का अभिषेक कर रहे हों। बारिश से सोमनाथ मंदिर की हरियाली और खिल उठी। मंदिर के पास बारिश के बीच यूं लग रहा था जैसे समंदर भी महादेव के चरण पखारने मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। उम्मीद है प्रथम ज्योतिर्लिंग मंदिर में हुई ये पहली बारिश देश भर में हरियाली और खुशहाली का आशीर्वाद लेकर आएगी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।